हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने एनएसजी कमांडोज की सभी प्रस्तुतियां देखी और फिर जवानों को संबोधित भी किया। इस दौरान अमित शाह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सरकार के जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा है और मुझे विश्वास है कि इस कदम के बाद कश्मीर के अंदर एक चिरकालीन शांति हम प्रस्तापित कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि एनएसजी किसी भी संकट से निपटने के लिए 24 घंटा पूरा साल तैयार रहती है और इनकी तैयारियों के कारण ही आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विश्वस्त हैं। तो स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह जो है वो मौजूद थे और यहाँ उन्होंने कमांडोज की तारीफ़ करते हुए बताया कि किस तरह के हमारे देश में जो भी एनएसजी के कमांडोज हैं वो किस तरह से सुरक्षा की गतिविधियों में लगे रहते हैं और यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा फिर से उठाया अमित शाह ने और कहा कि हम अब आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो हमने अपनाई है इस पर ही हम आगे चलेंगे। एक बार फिर से आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए अमित शाह ने बताया कि हमारी प्रतिबद्धता तो जो है जीरो टॉलरेंस को लेकर वो सरकार की आगे भी बनी रहेगी। ये कमांडोज हमेशा अपने मिशन को पूरा करने में सफलता हासिल करते हैं। तो अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर बताया कि किस तरह से सरकार जो है आतंकवाद के मुद्दे पर अब झुकने वाली नहीं है और इस पर जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार बार बार करती आ रही है वो आगे भी इस पर बरकरार रहेगी। एनएसजी के स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो हरियाणा के मानेसर में मौजूद थे और यहाँ उन्होंने एनएसजी के कमांडोज को संबोधित भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। आप देख सकते हैं दूसरे बैग जो आतंकवादियों ने गाड़ी में छोड़ा था।